दोस्तों काफ़ी दिनों से मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे यार कि मैं अपने गिवेज को कैसे हैंडल करता हूँ, यानी कि मैं लाइव करते करते अपनी स्ट्रीम लाइव करते करते गेम खेलता रहता हूँ और उसी समय मेरे जो गिवेज कैसे चलते रहते हैं यार। तो स्ट्रीम लैब से मैं ये करता हूँ, सबसे पहले बता दूँ, क्योंकि जिनको भी जानना है यार स्ट्रीम लैब से हम गिवेज कैसे करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। और लोग सोचते हैं कि यार लाइव चैट पे जो भी पीपल्स होते हैं रैंडमली मैं वहाँ से विनर्स को पिकअप करता हूँ। तो जिनको भी यार ये जानना इंटरेस्ट है कि हम स्ट्रीम ऐप से गिवेस कैसे करते हैं या फिर लाइव चैट में से विनर्स को रैंडमली कैसे पिकअप कर सकते हो, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर ही दोगे और यार फिर बाद में आपको परेशानी होगी गिवेस करने वक्त। तो यार वीडियो पूरी देखना और यार कमेंट करके बताओ कैसी लगी हमारी वीडियो, और यार लाइक करा था तो लाइक फटाफट से कर दो, जुड़ जाओ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम रेगुलर करते रहते हैं पबजी मोबाइल की लाइव स्ट्रीम्स। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अपने स्ट्रीम लैब्स को ओपन कर लेंगे, और स्ट्रीम लैब्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड आइकन दिख रहा होगा क्लाउड बॉट का, ठीक है। तो आपको यहाँ क्लाउड बॉट पे सिंपली क्लिक कर देना है, ये कुछ सेकंड्स लोड करेगा, उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। तो इसे लोड होने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन जो क्लाउड वर्ड का होगा वो डिसेबल्ड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसे इनेबल कर देना है कुछ इस तरीके से, और ये इनेबल हो जाता है। तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इससे आपको यहाँ से ये लिंक कॉपी करनी है, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। इसे आप मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। जिस ईमेल आईडी से आप स्ट्रीम करते हैं उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। है, तो यहाँ पे ये पेज हमारे पास ओपन हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस लिंक को जो हमने वहाँ से कॉपी की है, इस लिंक को यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। अब जब इतना आप कर देते हैं तो यहाँ पे आपके चैनल पे स्ट्रीम लैब जो है वो मॉडरेटर बन जाता है, ठीक है। तो इतना मॉडरेटर बना देने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, और अब आपके चैनल पे जो है वो स्ट्रीम लैब्स मॉडरेटर बन गया है। फिर अब इतना कर लेने के बाद जब आपने यहाँ पे अपने चैनल पे स्ट्रीम लैब्स को मॉड बना दिया है यानी कि मॉडरेटर, उसके बाद आपको ये पेज यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है यानी कि इन सेक्शंस पे, तो यहाँ पे आपको गिव वे पे क्लिक करना है। अब जब आप गिव वे पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड गिव वे का, और आपको यहाँ से मर्ज पे नहीं सेलेक्ट करना है, आपको कस्टम पे जाना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐड गिव वे आप करें और यहाँ कस्टम सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप अपने गिव अवे को कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आपके लिए आपके सेटअप है, मतलब आप समझ पाएंगे। तो जैसे अगर फर्स्ट गिव अवे है तो फर्स्ट गिव अवे से आप सेव कर सकते हैं या फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट दे दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस गिव अवे का जो एक टाइम पीरियड है वो लिमिटेड होना चाहिए, तो आप यहाँ टाइमर इनेबल करके वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अब फिर होगा क्या, जब ये टाइमर खत्म हो जाता है, ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद जो भी एंट्रीज होंगी गिव वे की, जो पीपल एंट्री कर नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर 30 मिनट का है तो 30 मिनट तक ही चलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पीपल्स हैं वो एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये 30 मिनट हो जाते हैं तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्रीज क्लोज हो जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहते हैं कि एंट्री चलती रहे देरी तक, तो यहाँ से आप इनेबल ना करें, बट आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। और परमिशन में यहाँ ये बहुत ही मेन चीज़ है यहाँ पे। अब परमिशन आपको कैसे देनी है, यहाँ पे ऑप्शन है एवरीवन, सब्सक्राइबर्स ओनली एंड सब्सक्राइबर्स एंड मॉडरेटर्स ओनली। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये उनको परमिशन दे रहा है कि अगर आप किसको परमिशन देना चाहते हैं, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को या सब्सक्राइबर और मॉडरेटर्स को या हर किसी को जो आपकी स्ट्रीम देखता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एवरीवन को करें, क्योंकि इस समय मे बी स्ट्रीम लैब्स का कोई ग्लिच है, इस लैब्स का ग्लिच है कि अगर आप सब्सक्राइबर्स ओनली सेलेक्ट करते हैं या सब्सक्राइबर्स एंड मॉडरेटर्स ओनली सेलेक्ट करते हैं तो ये एंट्रीज नहीं लेता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बट नहीं लेता है, तो फिलहाल तो ये कोई ग्लिच है। तो आप एवरीवन करेंगे तो ये आसानी से ले लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटरप्राइज का, तो यहाँ पे आप जो भी प्राइस दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी संडे को कराने वाला हूँ फिर से गिव अवे, तो मैं 8 UC का कराने वाला हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 8 UC इनटू 3 विनर्स।
यहाँ पे मैं तीन लोगों को दूंगा ATUC, जो भी विनर्स होंगे मैं इसे रैंडमली चैट से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इतना कर लिया मैंने, और ये मेरा सेकंड गिव अवे होगा, तो मैं नेम सेकंड देता हूँ, सेकंड गिव अवे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आके ऐड कर देना है, ये आपका एक गिव अवे मतलब सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, गिव अवे सेटिंग्स में जाना है। अब आपको यहाँ पे कोई कमांड में ऐसा कमांड लिखना है जो आप अपने व्यूअर्स को बोलें कि वो चैट पे लिखें, और चैट पे लिखते ही वो एंटर हो जाए। तो मैंने तो अपने फर्स्ट गिव अवे में यहाँ लिखा था गिव अवे, तो अब मैं सेकंड कर रहा हूँ तो गिव अवे टू लिख दूंगा। आपकी मर्जी, आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिख सकते हैं HPN, या आपके चैनल के जो भी मतलब नेम है तो उसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, मतलब सॉरी मतलब उनके पहले अक्षर लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है पेंटाइल सब, तो PR, ये PR लिखते ही जो भी लोग होंगे वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप कमांड क्या सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गिव अवे टू सेट करता हूँ, जो कि मेरे सेकंड गिव अवे हुआ, तो मैं उसमें यही बोलूँगा उनको टाइप करने को, तो गिव अवे टू। और इसके बाद आपको कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आप कोई गलती से छेड़छाड़ कर देते हैं तो सिंपली यहाँ रिसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, और सेटिंग्स रिसेट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ गिव अवे टू कर देता हूँ, और ये सेव। अब आपको कुछ नहीं करना। अब जब भी आप जैसे यहाँ स्विंग लैब्स में गो लाइव करते हैं, ये गो लाइव आपने किया, उसके बाद यहाँ क्लाउड बॉट पे आना है, अपनी स्ट्रीम चालू करते वक्त ही ये आपको करना है, स्ट्रीम चालू करने के बाद। तो क्लाउड वर्क पे आप आ जाइए, और गिवअवे पे चले जाइए, और यहाँ पे आ जाइए कस्टम पे, और जो भी आपका नया मतलब जो भी आपने बनाया है, मैंने इसके पहले एक बनाया था तो ये पुराना वाला आ रहा है मेरा, ये नया वाला है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट गिवअवे पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका गिवअवे चालू कर देगा। अब सुनिए, अब यहाँ पे जैसे जो भी लोग एंट्री कराएंगे, जो भी लोग जैसे मैंने गिव अवे टू कमांड दिया है, जो भी देते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो गिव अवे टू जो भी मेरे चैट में लिखेगा वो लोग एंटर होते जाएंगे, और उनके नेम यहाँ पे आते जाएंगे। यहाँ पे जितने भी यूजर्स ने एंट्री कराई होगी उनके नेम यहाँ से होंगे, और पर टिकट एक एक टिकट यहाँ से होगा। इसके ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो ये अभी इससे हमपन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ यूजर्स आप मैटर करता है, तो ये यूजर्स वही बताएगा जितने लोगों ने एंट्री कराई होगी, और यहाँ पे सबके नेम्स होंगे। उसके बाद जैसे अगर आपने टाइमर सेट किया हुआ है, ड्यूरेशन सेट की हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उतने देरी बाद बंद हो जाएगा। अगर आप वैसे टाइम नहीं सेट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से क्लोज एंट्रीज पर क्लिक करना होगा। क्लोज एंट्रीज कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री हुई होगी यहाँ से पिक विनर करके आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे आ रहा है यू आर नो इंटरेस्ट टू पिक फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ से पिक फॉर्म कर सकते हैं पिक विनर को, और हो जाएगा। और जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पे पिक विनर करते ही यहाँ पे विनर का नेम आ जाएगा, आप उसे अपना प्राइज दे सकते हैं। उसके अंदर कहीं लिखा होगा कि कंप्लीट गिवे ऐसा कुछ आएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो गिवे के ऊपर, जिसको कि आप लोग बहुत ही दिनों से काफी सारे लोग ने मुझसे पूछा था, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो थी। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।